नमस्कार दोस्तों मैं पूजा एक बार आपका फिर से, पाया से में स्वागत करती हूं की तो कर बुद्धा हम रखते हैं तो वो रखना चाहिए क्यों रखना चाहिए उसके पीछे का रीजन क्या है आ, actually, बुद्धा एक्चुअली बुद्धा रिप्रेजेंट करते हैं सालवेशन है ना तो मैं ये बोलती हूँ जिन लोगों को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है जो पाठ पूजा करना चाहते हैं जो इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं उनको बुद्धा घर में जरूर रखना चाहिए आ, ये एक डेकोरेशन पीस नहीं है है ना अगर मैं मांगती हूँ पैसा मुझे पैसा चाहिए और और साथ में आ, मैंने बुद्धा को घर पे रखा हुआ है तो दोनों चीजें बराबर नहीं होंगी क्योंकि इन्होंने जो एनर्जी एमिट करनी है उन्होंने वही ये शांति वाली करनी है जे. तो अगर आप शांत बैठ जाते हो तो आप मनी जनरेट नहीं कर सकते आपको उसके लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी है ना और मैंने अभी देखा है कि हमारे इंडिया इंडिया हालांकि बुद्धा का जन्म पटना का है है ना और बट इनके फॉलोअर्स बाहर बहुत जी, बहुत जी, है ना सिंगापुर और बैंकॉक इधर थाईलैंड में बहुत सारे और उन्होंने अब उन्होंने बेचारों ने ये भी लिखना शुरू कर दिया कि हमारे जो बुद्धा है वो डेकोरेशन पीस नहीं है आप उनको डेकोरेशन पीस ना बनाए तो मैं भी यही बोलती हूँ कि अगर आपका इनको फॉलो करने का मन है तब आप इनको घर पे रखिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको इसको घर पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये आपको साल आपको स्पेशलिटी के रास्ते पे लेके जाते हैं यहाँ पे है ना कुछ भी नहीं है तो वहां पे लेके जाते हैं और ये, ये अगर आप इन्हें इनको है ना बहुत बार मैंने देखा है लोगों ने अम्म बहुत सारे फॉल्स ऐसे बनाए होते हैं लॉन में रखे होते हैं कहीं पे भी रखे होते हैं तो ऐसे ऐसे रखने का uh, मतलब दिस इज आप उनको रखो उनको बहुत पवित्रता से और रिस्पेक्ट के साथ रखना चाहिए जैसे हम अपने देवी देवताओं को रखते आ रहे हैं बुद्धा की uh, बहुत साल तक उनकी उन्होंने जो अपनी शैली उन्होंने अध्यात्म की बताई है तो वो एक अलग से है जिससे आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो तो मोक्ष और पैसा दोनों साथ साथ नहीं जाते अगर आपको पैसा चाहिए तो घर पे बुद्धा मत रखिए अगर आपको पाठ पूजा करनी है और इस रास्ते पे जाना है तो आप घर पे जरूर बुद्धा रख सकते हैं उनको रखने के लिए उनको पूरे रिस्पेक्ट के साथ रखना है डेकोरेशन पीस बना के नहीं रखना चाहिए ये मैं बहुत बार देखती हूँ बहुत सारे लोगों के घर में जाते हैं है ना और उन्होंने बेचारे वो ऐसे रखे होते हैं तो ऐसे नहीं रखना या तो उनकी पूरी इज्जत है ना मतलब पूरे रिस्पेक्ट के साथ हमें उनको रखना है बुद्धा को और हमें मूर्ति को डेकोरेशन के लिए नहीं रखना चाहिए तो थैंक यू सो मच साथ ही अगर आप और सारी बातें जानना चाहते हैं तो आप पायो सर्वेदा को फॉलो कीजिए एंड मैम का नंबर नीचे मैंशन किया हुआ है आप मैम को कॉल कर सकते हैं hmm.